साथियों नमस्कार, मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट से आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया बार काउंसिल की जो परीक्षा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुनवाई चल रही है और फिलहाल वो परीक्षा नहीं हो रही है। उस परीक्षा को सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक रोक दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में जो फ्रेशर्स, जो लॉयर्स हैं, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, जो आने वाले भविष्य के अधिवक्ता हैं, उनके कई सारे सवाल उनके जहन में पैदा हो रहे हैं। कई बार वो लिख भी चुके हैं कि सर बताइए क्या होना है आगे। हमने कुछ वीडियो भी इस पर जारी किए थे, तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि स्टेट बार काउंसिल में एनरोल होने के बाद आप 2 साल के अंदर अंदर आपको AIBE की परीक्षा को क्लियर करना होता है। अगर 2 साल के अंदर आपने AIBE की जो परीक्षा है उसको, उस एग्ज़ाम को आपने क्लियर नहीं किया, तो आपकी फ़ीस जो डिपॉजिट रहती है AIBE में वो कैंसिल हो जाती है। आपको नए सिरे से आवेदन करना होता है, फिर आपको 2 साल का समय लगता है। अब ऐसे में दिक्कत यह है कि जब बार काउंसिल ने जो परीक्षा स्थगित कर दी है तो फिर क्या करें, उन स्टूडेंट्स का आखिर क्या होगा। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर, और जिन व्यूवर्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आपको हमारे सारे लीगल वीडियोस टाइम रहते आपको मिल सकें। तो आइए आज देर ना करते हुए आज का जो वीडियो है, जो टॉपिक है, उसको शुरू करते हैं। ऑल इंडिया बार काउंसिल की जो परीक्षा है जो नए एडवोकेट्स के लिए है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एडवोकेट्स बनने के लिए सबसे पहले आपको LLB करना होता है, विधि में स्नातक होना पड़ता है आपको। जब आप विधि स्नातक हो जाते हैं, LLB आप कर लेते हैं, तो फिर आप अपने स्टेट के बार काउंसिल में अपने आप को एनरोल रजिस्टर कराते हैं उसकी फ़ीस दे करके। और जब उसकी फ़ीस दे करके अपने आप को एनरोल कराते हैं, तो आपको 2 साल में जो 4 परीक्षाएं 2 साल में होती हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जिनको बोला जाता है AIBE, वो 4 परीक्षाएं आपको, 4 में से 1 परीक्षा आपको पास करनी है 2 साल में, जिसके लिए फॉर्म भरे जाते हैं, नॉमिनेशन होते हैं, फीस जाती है। फिलहाल उस जो परीक्षा है उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्थगित कर दिया गया है। तो ऐसे में वे अभ्यर्थी, वे जो आने वाले जो यंगस्टर्स, जो लॉयर्स हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि 2 साल का समय है उनके पास, और बहुत सारे लोग उनमें ऐसे हैं जिनके पास कि आखिरी अटैम्प्ट बचा है या सेकंड लास्ट अटैम्प्ट उनका बचा है। तो आखिरी अटैम्प्ट है, सेकंड लास्ट है, कोई भी अटैम्प्ट है, तो ऐसे में उनकी समस्या ये है, उनको जो सवाल है उनका वो ये है, जैसा कि मेरे व्यूवर्स ने कई सारे ने मुझसे पूछा है कॉल करके, वीडियो के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। तो कई सारे साथियों ने, कई सारे जूनियर्स ने, मेरे आने वाले भाई बहनों ने जो एडवोकेट्स हैं फ्यूचर के, उन्होंने सवाल पूछा कि सर 2 साल तो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, हमारी गलती तो इसमें है नहीं, तो क्या हमें परीक्षा देने दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की जो स्टेट बार काउंसिल है, उन्होंने एक आदेश जारी किया उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने, और उस आदेश में उन्होंने कहा है कि जो आपका जो 2 साल का टाइम पीरियड था, जब तक आपकी अगली परीक्षा की डेट जो है उस माननीय सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ जाती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब तक आपका मामला तय नहीं हो जाता है, और ऑल इंडिया बार जब तक अपना एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट नहीं कराती है, तब तक आपको उस पर कुछ नहीं करना है। तो जब तक ऑल इंडिया बार जो है आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट नहीं करा रही है, जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला पेंडिंग है, तब तक यूपी स्टेट की जो स्टेट बार काउंसिल है उसने जो भी आपके जो लाइसेंस थे जो स्टेट बार काउंसिल के थे उनको रिन्यू कर दिया है, उनको कंटिन्यू करने के आदेश उन्होंने कर दिए हैं। यानी कि अब आपका जो लाइसेंस है जो आपके पास मौजूद है इस वक्त में, वो 2 साल की जो उसकी समय सीमा थी उसको बढ़ा दिया है, उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो आप लोगों को परेशान होने, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर सुन लीजिए, यूपी स्टेट की स्टेट बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से AIBE एग्ज़ाम पर नया आदेश आने तक जो परीक्षा है उसको देखते हुए, जो 2 साल का समय पूरा हो रहा था इसको देखते हुए, जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने आप को एनरोल करा रखा है AIBE में, सॉरी स्टेट बार काउंसिल में, और वो AIBE की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो AIBE का जो परीक्षा का जो समय है, अगर वो अभी वो निश्चित नहीं है, इसलिए उसमें 2 साल का समय जो भी लोग पूरा कर रहे हैं उनके टाइम को एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि 2 साल, अब आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर हैं और आपको 2 साल हो चुके हैं
तो इस व्याप पर आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल नहीं होगा कि आपने AIBE 2 साल के अंदर पास नहीं किया है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप लोग खुश हो जाइए, ये जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी है। आप लोगों का जो लाइसेंस है वो कैंसिल होने नहीं जा रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। बाकी जो और स्टेट हैं, मैं उन सब स्टेट से एक एडवोकेट होने के नाते, एक जागरूक इंसान होने के नाते, मैं उन बाकी की स्टेट से अपील करता हूँ, स्टेट बार काउंसिल से, कि उत्तर प्रदेश को नज़ीर बनाते हुए वो भी अपने जो स्टेट बार काउंसिल हैं वहाँ से ऐसा आदेश जारी करें जिससे कि हमारे जो छोटे भाई बहन आने वाले हैं वकालत के फील्ड में, वकालत के पेशे में, उन्हें तकलीफ़ ना हो और वो अपनी वकालत को जारी रख पाएँ। अगर उनका 2 साल का टाइम पीरियड उनका पूरा हो रहा है तो जैसे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने ऑर्डर जारी किया है वैसा ही ऑर्डर आप भी जारी करें। बाकी की स्टेट जो है उनसे मैं आपको, जो भी स्टेट बार काउंसिल है पूरे देश की, मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी जो आपके जो जो आने वाले जो लॉयर्स हैं उनके भविष्य को देखते हुए आप लोगों को भी UP को नज़ीर बनाते हुए ऐसा ऑर्डर उनके फेवर में पास कर देना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ जो बताना चाहता था आपको, मेरा मैसेज आप तक पहुँच पाया होगा और मैं अपनी बात को आपसे स्पष्ट रूप से कह पाया, समझा पाया हूँ। बाकी आपके कुछ कमेंट्स हों, कुछ क्वायरी हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।